पंजाब कांग्रेस के आंतरिक मामलों पर 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक दिल्ली में चल रही है। मीटिंग में पंजाब कांग्रेस के 25 विधायक शामिल हैं। जिन नेताओं को सोमवार को बुलाया गया उनके लिए न्योता पंजाब कांग्रेस कार्यालय की ओर से जारी हुआ था। आने वाले 2 दिनों में कमेटी पंजाब के 25-25 नेताओं को दिल्ली बुलाकर उनसे कमेटी बातचीत करेगी। पंजाब कांग्रेस से आंतरिक मसलों को सुलझाने के लिए हाईकमान ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत, पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं। किस तरह मजबूत करके किस तरह आने वाला जिहड़ा इलेक्शन है इहदे विच किस तरह जीत हासिल करनी है उन्हों मुद्दे नज़र रख के सारिया गल्लां तफसील नाल कमेटी नाल हुई हैं। उस ते अगे डिवेलपमेंट बाकी सारे MLAs नाल राय करके उस पॉलिसी दे उत्ते ताकि जिहड़ा मेन फोकस है वह अज दे दिन वापस उत्ते पंजाब नूं बहाल करना, पंजाब नूं सही लीड उत्ते जिहड़ी कांग्रेस पार्टी लैके आई है उस ते अगे डिवेलपमेंट करना। आपसी एक दूसरे के विचारों की लड़ाई होती है, पार्टी के साथ किसी का मनमुटाव नहीं, पार्टी के खिलाफ किसी की लड़ाई नहीं, और आपसी जो मनमुटाव है उसको दूर करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने ये मीटिंग बुलाई है। और ये परिवार का मामला है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़ी जल्दी ये मामला हल हो जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ? ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਜੋ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਉਹ ਰਾਈਟਲੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤੜੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੂਗੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਔਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਔਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।